एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू सैम्स ऑल इन वन चैनल। तो जी, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7। जल्दी जल्दी पौधों को पानी देकर ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं और आज ब्रेकफास्ट में है कीमा पराठा। बिना देरी के रेसिपी को शुरू करते हैं। 2-3 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लेंगे और अब 2 मीडियम प्याज कटी हुई ऐड कर लेंगे और 2 हरी मिर्ची। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तब तक प्याज ब्राउन होती है हम पराठा बना लेंगे। खीमा और पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ राइस बन रहा है और यहाँ प्याज ब्राउन हो रही है, मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और वॉश किया हुआ खीमा ऐड कर लेंगे और अब इसको भुनेंगे। 2-3 मिनट्स भून लेंगे। खीमा अच्छा भुन गया है और अब हम इस पर 1/2 बंच मेथी ऐड करेंगे। मेरे पास बड़ी थी तो मैं 1/2 ली, आपके पास छोटी हो तो एक भी ले सकते हैं। मेथी ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे और फिर 1 और 1.5 कप वाटर ऐड करके इसको लिड लगाकर 4 से 5 सीटी देने के लिए रख देंगे। खीमा रेडी होने तक हम पराठे रेडी कर लेंगे। 2-3 पराठे तो मेरे रेडी हो गए, बस अब ये लास्ट है, इसके बाद खीमा चेक कर लेंगे। थोड़ा सा पानी दिख रहा है और आप पानी को सुखा लेंगे अच्छे से भून के। इतना भुनेंगे कि पानी सूख जाए और तेल छूटने लगे। वैसे मैं नमक ऐड करना भूल गई थी और अब आप नेक्स्ट ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक। एक बड़े आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर लेंगे। आप कैसे भी कट करो, इट्स अप टू यू के बड़ा या छोटा। मैं छोटा कट करी। और फिर थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर लेंगे। 1 हरी मिर्च ऐड करके इसको 8-10 मिनट्स तक दम पर छोड़ देंगे। तो इस तरफ हमारे 4-साइडेड पराठे रेडी हो रहे हैं। किस किस को 4-साइडेड पराठे पसंद है ज़रूर कमेंट में बताइए। मेरे पास तो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, मैं तो रोटी बहुत कम खाती हूँ बिकॉज़ मेरे को रोटी नहीं पसंद। चलिए एक नज़र मेरे 4-साइडेड पराठों पे भी डालते हैं। मेरे 4-साइडेड पराठे मैं इस तरह बनाती हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। 8-10 मिनट्स कम्प्लीट हो गए। अब आलू चेक कर लेंगे। आलू लग रहा है कि गल गए और अब खीमा सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए पराठे और खीमा सर्व करते हैं और फिर बच्चों पर नज़र डालते हैं। तो टाइम हो गया है 9 AM। 9-11 खदीजा की ऑनलाइन क्लास होती है, उस बीच 10-11 उमर की क्लास होती है। दो दो को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तो 10-11 दो फ़ोन यूज़ करना पड़ता ताकि खदीजा एक यूज़ करें एंड उमर एक यूज़ करें। तो हो गई है शाम, बारिश रुक गई है तो हम लोग सोचे कि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते हैं। तो उमर का था प्लान कि हम बर्गर खाने मैकडॉनल्ड्स जाएं, तो हेयर हम लोग मैकडॉनल्ड्स आ गए हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन किसका क्या ऑर्डर होता है। हमेशा उमर की बेचैनी ऐसी ही होती है, जब तक कि ऑर्डर ना आ जाए सुकून ना पड़ता उमर को। जब तक बर्गर्स रेडी होते हैं उमर को चाहिए मफ़िन और उमर को मफ़िन दिला देते हैं और फटाफट खा के घर चलते हैं। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.